हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उग्रा ई कैफी। इस वीडियो में HFRI में जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब मिल जाएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं अपने ब्राउजर पे हूँ, यहाँ पे हम सर्च करते हैं HFRI। जैसे कि मैंने लिंक यहाँ पे जो लिंक डाल रखा है कि मैं आपको डायरेक्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में hfri.icfre.gov.in मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये जो साइट है, ये साइट है आपको, जैसे कि यहाँ पे इस ऑफिशियल साइट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिख रहा होगा आपको। ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने इसका ऑलरेडी जो इसका PDF है वो डाउनलोड कर रखा है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, ये वॉक इन इंटरव्यू टू बी हेल्ड ऑन 28 अप्रैल 2022 एट 10:30 AM, मतलब मॉर्निंग में 10:30 बजे आपको इसका वॉकिंग इंटरव्यू है। तो आप वहाँ पे, उससे पहले आप इसकी जो लास्ट डेट है वो 25th है, उससे पहले पहले आप इसको फिल कर लो, और या तो इसको पोस्ट के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हो या खुद भी जाके वहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और इसका जो PDF है वो ये इस टाइप का होगा कुछ। तो यहाँ पे आपको जैसे देख रहा है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो ऑफिस है वो पंथाघाटी में है। तो यहाँ पे मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो आपका फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये फॉर्म है आप जो 4th नंबर पे है। तो पहले हम जितने भी इसके जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। वॉकिंग इंटरव्यू है 28th को, उससे पहले आप 25th तक इसके जो फॉर्म है वो डिपॉजिट कर सकते हो, उसको ईमेल भी कर सकते हो या डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है, एप्लीकेशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो इट माइट टेक फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोजिशन। टेम्परेरी बेस पे, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है टेम्परेरी, जब तक इनका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक के लिए ये रिक्रूट कर रहे हैं। और जैसे यहाँ के कौन कौन से है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट वन, जूनियर प्रोजेक्ट फॉलोज और प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड फील्ड असिस्टेंट। जैसे कि आपको यहाँ पे 1st नंबर पे दिख रहा है जूनियर प्रोजेक्ट फॉलोज नंबर 2, इसमें दो पोस्टें होगी जिसकी जो सैलरी होगी वो 20,000 पर मंथ होगी। और इसमें वैसे क्वालिफिकेशन चाहिए MSc बॉटनी फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट साइंस, इनमें से इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी में भी MSc होनी चाहिए आपकी। और अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, जूनियर प्रोजेक्ट फॉलो 1 नंबर, इसमें भी MSc बॉटनी इन्वायरमेंट साइंस या फॉरेस्ट इसमें होना चाहिए या तो। और जब अगर थर्ड की बात कर रहे हैं जूनियर रिसर्च फॉलोज नंबर 1 के लिए, तो उसमें फर्स्ट क्लास पे आपकी MSc होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एंड बॉटनी में। और अगर मैं 4th की बात करूँ तो फील्ड असिस्टेंट, इसमें भी एक एक पोस्ट है जिसमें आपका मेडिकल +2 से होना चाहिए, जिसने मेडिकल कर रखा है +2 से वो इसको फिल कर सकता है। और जो हमारी थर्ड पोस्ट है वो फील्ड असिस्टेंट है, पर मंथ 17,000 मिलेगा, मेडिकल साइंस से होना चाहिए उसका। और वैसे ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट पर मंथ 19,000, BSc और BA और 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड सर्वर में। और अगर मैं 7th का जो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, उसकी 42,000 है, MSc होनी चाहिए फॉरेस्ट्री बॉटनी और एनवायरमेंट साइंस में, 4th ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके पास। और एक और पोस्ट है जिसमें हमारे को MSc फॉरेस्ट्री बॉटनी और एनवायरमेंट साइंस में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 25,000 उसकी पर मंथ होगी, बट HRA भी मिलेगा उसको। और अगर मैं इसके बाद 8th नंबर पे, जो हमारा सीनियर प्रोजेक्ट फॉलोज और जूनियर प्रोजेक्ट फॉलोज, एक एक पोस्ट है इसकी MSc फॉरेस्ट्री और बॉटनी में होगा उसका। और यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट BSc फॉरेस्ट्री और साइंस मेडिकल में होना चाहिए इन्वायरमेंट साइंस में। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फील्ड असिस्टेंट में एक पोस्ट है जिसमें +2 विद साइंस होना चाहिए, नॉन मेड और मेड में से कोई भी हो सकता है, जैसे तो इंजीनियर का रखा है वो उसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट आर डिपॉजिट और ईमेल, आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो ऑन एड्रेस, और इस पर ईमेल भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंटेशन, और जो फॉर्म मैंने आपको पहले दिखाया था उसको फिल करके आप इस पर जाके मेल कर सकते हो। और इसके जो लास्ट डेट है वो 25th अप्रैल 2022 है। और इसमें जो जैसे कि यहाँ पे डिटेल लिखी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, ये सारी पूरी जो डिटेल है जो कि आपके फॉर्म में था वो फिल करके आप सारे डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, कलर, फिक्स डेट एंड देयर है ऑथराइज्ड अटेस्ट द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑल डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी है वो भी अटैच करके आप या तो ईमेल कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लिखा है MS वर्ड होना चाहिए जिससे इसमें मांगा है वो वर्ड सीरियस होनी चाहिए इसमें। कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट एंड वर्क एट डिफरेंट एरियाज इन स्टेट ऑफ HP, यूनियन टेरेटरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख,
यूनियन टेरेटरी में और एचसीएस का, और जो यहाँ पे है ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग अ रिक्वायर्ड टू इनिशियल क्वालिफिकेशन मे अटेंड द वॉकिंग इंटरव्यू ऑन 28/4/2022 स्टार्टेड एट 10:30 AM। अगर वो बहुत सारे फॉर्म भरता है, मतलब इसमें दो तीन फॉर्म भरता है, तो उसके अलग अलग जितने भी फॉर्म्स हैं वो अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप एक में ही मैंशन कर दोगे तो वो माना नहीं जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। और जहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पे JRF के लिए 28 है, SPF के लिए 32 है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के 40 है, और प्रोजेक्ट 35। यहाँ पे पूरी वैसे डिटेल है, और यहाँ पे SC ST बोलो का और वुमेन कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर द प्रूफ रोल्स, मतलब 5 ईयर्स दिया है ST ST और वुमेन्स के लिए रिलैक्सेशन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, या आपको फ़ोटो लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो लगेगा, मोबाइल नंबर, यहाँ पे पूरी आवेदित स्थायी पद का नाम, जो आपने जिस चीज़ के लिए फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका एज होगा, 10th 12th कितने आपकी परसेंटेज है, वो सारी चीज़ डिटेल होगी, यहाँ पे सिग्नेचर, और आपको इसको फॉरवर्ड करना है 15 RTA में जो ऑफिस है उनका, वहाँ पे करना है। मैं एड्रेस बता देता हूँ आपको, और जो अगर मैं एड्रेस की बात करूँ तो मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट HFRI पंथाघाटी डालोगे तो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑफिस है वो पंथाघाटी में ही है। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा फिलहाल, तो यहाँ पे ये यह देखो, ये यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा इसका, ये यह आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा जो कि पंथाघाटी का है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप वहाँ पे जैसे जो कि मैंने मेल दिखाई थी, तो वैसे आपको जगह का इनके नंबर्स की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे है, ये मोबाइल नंबर है, ये इंस्टीट्यूट, अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और वैसे अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भी कमेंट्स कर सकते हो, मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।